राम राम अंकल जी। राम राम भैया। अंकल जी ये कुछ धार्मिक पुस्तक है, ये देखिए। काहे की ये धार्मिक? ये गीता की पुस्तक है अंकल जी। ये तो देखियो ये कैसी है भाई साहब, गीता की बता रहे हैं। लू ये बताओ कि जी जो गीता है कहाँ से? गोरखपुर से है ये? ये संत रामपाल जी द्वारा लिखी हुई धार्मिक पुस्तक है गीता। देखिए अंकल जी, आप इन पुस्तकों को ग्रंथों से मिलान कर लिए। ये हमारी जो पुस्तक है ना गीता तेरा ज्ञानव्रत, इसमें पूरी गीता जी का यथार्थ अनुवाद किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसमें उन्होंने बताया है कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और किस तरह से मतलब हमें अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अंकल जी इस ज्ञान को समझो एक बार। अरे भले आदमी कहाँ समझ आ रहे हो, अबे हमारे बुरे बारे योजना पड़ेगी। चलो भाई चलो, चलो भाई। अरे नहीं अंदर। अरे देखो तो सही अंकल जी। अरे क्या कुछ बात चल रही है? चलो ऐसी अंदर क्या हम सिखा के आ गए हैं। इसमें क्या हम तो देखो किसी गले पार चलो क्या ज्ञान और क्या हो गया? गले पार चलो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? भैया जी कुछ देख धार्मिक पुस्तकें हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत, कबीर परमेश्वर है और जीने की राह भी है। पुस्तकें किन की हैं? ये संत रामपाल जी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं सारी। ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, सभी ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तकें हैं, गीता वेद पुराण कुरान बाइबल आप सबके यहाँ ग्रंथ रखे हुए हैं, आप उनसे मिलान कर सकते हो। प्रमाणित पुस्तकें हैं? ये बहुत ही प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनके अंदर वेदों गीता के मंत्र भी हैं। आपके यहाँ ग्रंथ रखे हुए हैं, उनसे मिलान कर लीजिए आप। तो क्या बताना चाह रही हैं पुस्तकों में, क्या ज्ञान है इनमें? ऐसा अनमोल ज्ञान है जो अब तक हमारे ऋषि मुनियों ने छुपा रखा था, उनको मतलब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, वो संत रामपाल जी महाराज ने बाकायदा खोल दिया है। आप हम ये बता सकते हैं दो लाइन में कि ज्ञान में क्या बताना चाह रही हैं पुस्तकें? यह हमें जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, उसकी तरफ इशारा करती है सारी पुस्तकें। वो गीता वेद, गीता भी कहती है वेद भी कहते हैं, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, उसके लिए सभी धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तकें। अरे भले आदमी तू ज्ञान की बात पे आएगो। भैया जी एक बार समझ तो लीजिए, हम आपके लिए समय देने के लिए तैयार हैं, आप बैठ के हमसे चर्चा कर लीजिए। चलो ज्ञान तो समझ लेते हैं बाबूजी, आए इतनी दूर से, एक बार बैठ के ज्ञान समझ लेते हैं इनका। हम आपको समय देने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम 10-12 लोग हैं आपके साथ। चलो दो मिनट बैठ लेते हैं, चलो दो मिनट बैठ के ना ज्ञान समझ लेते हैं। बाबूजी संत जेल में, आप सारी संत जेल में, अब ज्ञान है पुस्तक है ज्ञान की बात है, एक बार सुन लेते हैं बैठ के। ठीक है तो देख लो आओ आओ जल्दी। विवेक कहाँ भैया? विवेक कहाँ भैया? विवेक कहाँ है? आ जाओ बैठो जरा, इनसे चर्चा चल रही है थोड़ी ज्ञान की। अच्छा, ये लोग कहाँ गाँव आ रहे? हाँ जी चर्चा करने के नाराज हो रहे थे, कुछ इनको मुझे बारे में गलत सूचना दे। लाला तेज समझ में क्यों ना आ रही, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़वा बता जी। हाँ जी आप क्या बताना चाहते हैं अपने गुरु जी के बारे में? ये संत रामपाल जी तो हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए आपने जब तक जो सुना है मीडिया के माध्यम से सुना है वो बिल्कुल गलत है। आपके यहाँ धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं गीता, आप उनसे मिलान कर लीजिए इस ज्ञान का, हमारा तो बस इतना ही कहना है, यही हमारे गुरु जी का कहना है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित कराकर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उनका था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? इनके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो बता बताए मरते हैं और जिंदे होता है, और जबकि वे तो अजर अमर है। बुजुर्ग लोग तो सही कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, और आप ये बता रहे हैं कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, आपके पास कोई प्रमाण है इसका? हमारे गुरुजी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया है, गुरुजी ने जो धार्मिक सदग्रंथ हैं उनसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु को प्रमाणित किया है, जैसे कि देवी भागवत पुराण। देखिएगा श्री मद देवी भागवत
इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया फिर महाविष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता या अविनाशी नहीं है। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। भाई अब चीज बताइए कि मैंने टीवी पे चैनलों पर काफी संतों के, महंतों के, धर्मगुरुओं के सत्संग सुने, वो बताते हैं कि मानव को पिछले जन्म के पाप कर्म भोगने से कटते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भक्ति करने से कि आपके पाप कर्म कट जाते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप ये हमें प्रमाण बताइए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रमाण हमारा सच्चा है भाई, हमारे गुरुजी सत्य बताते हैं, भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं। अब जैसे पुण्यात्मा बहुत से उदाहरण है, आप याद को नहीं रखते क्योंकि हमारी बुद्धि पर इतना दबाव प्रेशर है इस काल का कि हम थोड़ी सी देर सुनते हैं सत्संग तो याद एकदम आता है। पुण्यात्माओं का जिनके पाप बहुत अक्षीण हो चुके हैं उनके तो हृदय में ठेस लगती है, बहुत कषक बनती है कि सचमुच या तो बात बिगड़ी पड़ी है। और जिनके अभी बुखार उतरा नहीं पाप कर्मों का और वो आते हैं, नाम भी ले लिया है, ट्रीटमेंट जारी है, उपचार यही है, धीरे धीरे उनको भी एक दिन ये बातें सीधी अटैक करने लग जाएंगी आत्मा के ऊपर। अब जो सुनते हैं नए नए भक्त आते हैं जिनके पाप अभी इतने अक्षीण हुए नहीं है, कम नहीं हुए हैं, तो वो सुनते भी इन बातों को, लेकिन वह जग है ठिकाने पर जाकर चोट लाग नहीं रही उनके, उनको इन बातों का विशेष असर नहीं हो रहा, लेकिन होगा, ये सुनने से ही होगा इन बातों का, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है। अंदर पाप नाश करने का भी काम ये साथ में करती है। कुछ पाप ऐसे हैं जो परमात्मा की वाणी से, इस प्रवचन से, सत्संग से ही समाप्त हुआ करते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो गया है, वो कई प्रकार का होता है मैल। एक तो ऐसा मैल होता है झाड़ दे धूल जड़गी साफ हो गया, एक ऐसा होता पानी में से निकाल दे धो दे उससे भी साफ हो गया कपड़ा, एक मैल ऐसा होता है कि साबुन लगाने से ही उतरेगा, पसीना लगा हुआ होता है, और एक मैल ऐसा होता है कि वो फिर ड्राई क्लीन से उतरेगा। तो ये सभी तरह के तरीके हम ना अपनाने पड़ेंगे जिसका जैसा वस्त्र मैला है, तो इस सब प्रकार के प्रोसीजर में तो आपको निकालना पड़ेगा। आपके गुरुजी तो शराब निकालने की भी मना करते हैं, व्रत रखने की भी मना करते हैं, कहाँ पर प्रमाण है जी? सर ऐसा नहीं है, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14, 9, 12 व्रतम जिनसे जम जोरा नहीं डरतम, कर एकादशी संजम सोई ही करुआ चौथ गदेरी होई। आठे साते करें कंदूरी सो तो बने नीच गर सूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है भगवान ने, कमाल कर रख्या है कि ये 14, 9, 12 का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे, ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करुआ चौथ गदेरी होई। एकादशी का व्रत रखने वाले और करुआ चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधे गधी की योनि में जाएंगी। अब करुआ चौथ के है बता, करुआ चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो, एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी, इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाऊंगे। आन धर्म जो मन बस है कोई करो नर नार, गरीब दास जिंदा कह है वो जासी यम द्वार।
आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म धर्म मीन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार नरक में जाओगा। कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करुआ चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रख्या करती व्रत करुआ चौथ का, रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू कहा करती, बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करुआ चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुना होगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। दुनिया के धर्मगुरु तो बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, आपके गुरु जी बताते हैं साकार है, ऐसा है प्रमाण कहीं? देखिए भैया, इस बात का प्रमाण है, हमारे सतगुरुदेव जी बताते हैं, वेद शास्त्रों से प्रमाणित किया है। देखिए आप, पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं, वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका? वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो, और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर प्रतिबिंब होकर के और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहां उसका प्रकाश तो सूर्य का है लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग, और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहां भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। इसी यही यथास्थिति समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं उन्होंने यही थ्योरी बताई है, चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, चाहे वो दंदन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य, जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है लेकिन यहां साकार बनकर आता है जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में, कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो कहे अंधा भी है दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे हो, साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए,
धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर और झरनों में खड़े हो होकर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। संसार में तो तमाम गुरु हैं, ये कैसे पता चले है कि मत जय संत रामपाल जी पूर्ण गुरु हैं? या को का जवाब तुम्हारे पास कोई है प्रमाण तुम्हारे पास? जी सर, किसी अज्ञानी धर्म गुरुओं के कारण हमें भ्रमित किया जा चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से पता चला है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। अध्ययन अब गुरु कैसा हो, गुरु जी के बारे में हमारे सदग्रंथ भी बहुत से प्रमाण बताते हैं। गुरु पूर्ण हो वो कैसा हो? परमेश्वर ने कबीर सागर में जीव धर्म बोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण चार बखाना। गुरु जो होगा वास्ते में उसके चार लक्षण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये चार गुरु गुण जानो मर्मा। ओए हरि के पूरे गुरु की जो मेरा दास होगा उस गुरु में ये गुण होंगे। प्रथम वो वेद शास्त्रों का कंप्लीट जो है नॉलेज रखता होगा, और दूसरे वो भक्ति खुद भी करेगा। ऐसा नहीं वो केवल वक्ता वक्ता नहीं होगा, वो स्वयं भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति मन कर्म वाणी से कर रहा होगा। और तीसरे वो समदृष्टि होगा, सबको छोटे बड़े को राजा और रंक को जो उसके पास आएगा एक दृष्टि से देखेगा। एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा आहार होगा, एक जैसा खाना और बैठना उठना होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म वेद विधि की तरह होंगे जो वेदों में वर्णित है। भैया सही कही, जहाँ असली ज्ञान के बारे में हमें आज तक अवगत नहीं है, तो वो अमन जो सुनो काउ संत रामपाल जी महाराज के बारे में मीडिया थे या पेपर ने थे या कहू देख दूसरे थे, वो अमन गलत सुनो। ये हम तो आजकल अंधकार में डूबे, हमें ऐसे असली ज्ञान को पता होना है तो ये पता होते तो हम कायकू आपे भगावते, कायकू आपते उल्टी सूदी गाली गलौज करते। तो भैया हमें माफ करियो। चाचा जी माफी हमसे नहीं, माफी हमारे पूज्य सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी से मांगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज।